Citylive, a platform to sharing your thoughts. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में प्रदर्शनी और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश और प्रदेश के व्यापारी शिरकत कर रहे हैं। इसके उद्घाटन समारोह में भाग लेने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा पहुँचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, लंबे समय से आप व्यापारियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। वर्तमान में भी जो इंस्पेक्टर राज के लिए कहा गया था कि GST आने पर सब कुछ ऑनलाइन होगा, इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी व्यापारियों को परेशानी आ रही है, इसमें आप क्या कहना है आपका? देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के समर्थन में मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज हिंदुस्तान के हर व्यापारी के पास ना तो कंप्यूटर है, ना उनके पास कोई सुविधा है, या तो सरकार सुविधा उपलब्ध कराए, परंतु फिर भी हम इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर राज केवल ऑनलाइन से समाप्त नहीं होगा, जो कानून बने हुए हैं उनका अगर सरलीकरण कर दिया जाए, उनको अगर सरल बना दिया जाए, तो इंस्पेक्टर तो उसी कानून के अंतर्गत हमको परेशान करता है ना, तो अगर वो सरल कानून होगा तो हम उसको पालन कर लेंगे और उसमें फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु अभी तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अभी ने अपने अपने कानूनों का सरलीकरण नहीं किया है, और यही हमारी मांग है हर जगह पर। वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का 4 बार का लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, पर मेरा मानना है कि मैं पहले व्यापारी हूँ तब राजनीतिज्ञ हूँ। लेकिन इसका एक मदद मिलती है, एक संवाद करने का एक मौका मिलता है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, 4 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, तो आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना थोड़ा आसान नहीं हो सकता क्या? बात आपकी बात सरकार नहीं सुन पाती? हमारी बात सुनती है। मैंने आवश्यक अधिनियम खाद्यान्न के ऊपर, अन्य चीज़ों के ऊपर से समाप्त करा दिया। अब हमारी बात पहुंची तभी तो मैंने समाप्त कराया, यद्यपि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और समाप्त कराया हमने। उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर राज समाप्त कराया, और ऐसे समाप्त कराया कि अब हमारे यहाँ सर्वे नहीं होते हैं। परंतु जब से GST लगी है तब से कुछ सर्वे शुरू हुए हैं, हम उसके लिए भी वार्तालाप करके उसको भी समाप्त कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर इंस्पेक्टर हमारे पास ना आए तो हमारा इंस्पेक्टर राज नहीं होगा। आज भी मोदी जी का हर स्कीम बहुत अच्छी है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, पर मोदी जी ने यह कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को समाप्त करूँगा। उन्होंने ऊपर का यानी अपने मंत्रिमंडल का भ्रष्टाचार तो समाप्त कर दिया, पर अभी आम जनता का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया, इसके लिए मैं उनसे बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, ये कई बार ये मंडी टैक्स को कम करने की भी बात, और इसके साथ साथ जो आढ़तियाँ हैं उनको मिडिल मैन के तौर पर सरकार देखती हैं, जबकि आढ़त एक बहुत पुरानी व्यापारिक परंपरा है, एक व्यवस्था है, लेकिन सरकार के कई नए सिस्टम में ऑनलाइन सिस्टम करना चाहती है। वो चाहती है किसान सीधा जो ख़रीदार है उस तक पहुंचे, और इसमें आढ़तिया को वो मिडिल मैन के तौर पर माना जाता है। आप ये बताइए कि ये अगर सिस्टम इस तरह का लागू होता है तो उससे क्या नुकसान होगा? देखिए, सरकार की ये भ्रम है, हम किसान का माल बेचते हैं मिल वाले को, मिल वाला हमें रुपया देता है 8 दिन में 10 दिन में, हम किसान को तुरंत दे देते हैं, और ये काम कोई मिल वाला या कोई दाल मिल वाला या राइस मिल वाला या तेल मिल वाला या बड़ा होलसेल नहीं कर सकता है। हम मिडिल मैन नहीं हैं, हमारा काम ये है कि जैसे
एक जोड़े की शादी होती है, एक लड़की की और एक लड़के की, और उसमें पंडित जा करके अपनी पूजा कराता है। तो आप पंडित क्या मिडिल मैन कहेंगे क्या? मेरा काम वो है कि किसान के माल को उचित स्थान पर पहुंचा देना, उसको बेच देना, उसकी तौल करा देना और किसान को नगद रुपया उसी समय दे देना, और जो खरीदार है उससे दो दिन में, चार दिन में, आठ दिन में जैसा तय हो वैसा लेता रहें। हम मिडिल माल नहीं हैं, हम सरकार की और किसान की सहायता करते हैं। एक जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है, जो छोटे पारंपरिक व्यापारी हैं इनके सामने, और ये बाज़ार भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसको एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है हमारे देश के उपभोक्ताओं ने, ग्राहकों ने। लेकिन जो पुराने व्यापारी हैं, जो दुकान लेके, छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो क्या इसमें कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम लागू करना चाहिए सरकार को, जिससे जो पारंपरिक व्यापार है वो भी चलता रहे? सरकार को ऑनलाइन ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग से न तो उपभोक्ता को लाभ है, क्योंकि वो माल दिखाता कुछ है, भेजता कुछ है। हम दुकान पर सामने बेचते हैं कि ये लो, देखिए क्या अंतर है। आज ऑनलाइन ट्रेडिंग में तो माल हमारे घर आ जाता है, जब आ जाता है तो हम खोलते हैं, तब देखते हैं कि ये कैसा है। ये सिस्टम बंद कर देना चाहिए, और जो पारंपरिक व्यापार का सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, राजा महाराजाओं नवाबों के समय से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है, उसी को लागू करना चाहिए। एक मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी। इस समय जो पूरे अर्थव्यवस्था है देश की, उसमें मंदी का दौर है, हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मंदी नहीं है। विपक्ष और विरोधी दल हैं, वो कह रहे हैं मंदी है व्यापार, लेकिन व्यापारी ये बात मानते हैं। बाजार की स्थिति ये है कि स्लो डाउन है, खरीद नहीं है, व्यापार नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसमें, कि आपका जो अनुभव है उसके आधार पर क्या सलाह आप देंगे सरकार को भी, कि इस तरह के माहौल से किस तरह से बाहर निकला जा सकता है देश की पूरी अर्थव्यवस्था को? देखिए, देश का जो फुटकर व्यापार है या जो ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग प्रभावित हो रही है। प्रभावित इसलिए हो रही है कि एक तो चीन का माल बहुत आ रहा है और वो बिना लिखा पढ़ी के आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी गई, उससे जो छोटे व्यापारियों का है वो बड़ा नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान की वजह से देश में मंदी का एक माहौल बना हुआ है। ये बात सही है कि देश में इस समय आर्थिक मंदी है और हमारे लोगों की बिक्री बहुत कम हो गई है। अब वो चाहें जो नोट का परिवर्तन हुआ उसको समझें या सरकार की नई नीति समझें, परंतु हमारी बिक्री कम हो गई है, आर्थिक नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। क्या सुधार आपसे, आप क्या सजेशन देंगे, सुधार क्या करना चाहिए, किस दिशा में काम करना चाहिए? आइए, सुधार करना चाहिए कि जैसे GST लगाया गया है, अब GST पहले थे 40% था, अब उन्होंने 18% कर दिया है। 18% रेट अभी भी ज़्यादा है, और मेरा कहना ये है कि हमारे व्यापारियों का रुपया सरकारी खजानों में जमा है, क्योंकि रिफंड नहीं हो रहे हैं। GST में सिस्टम है कि हमें रिफंड रुपया मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, 2-3 साल लग जाते हैं, यानी इतने समय तक हमारी पूंजी सरकारी खजाने में रहती है। मैं कहता हूँ GST लागू करो, हमें मंजूर है, पर GST उपभोक्ता पर न लगा करके और आम व्यापारी पर न लगा करके आप उत्पादक पर और आयातक पर लगाएं, और वहाँ आप GST ले लें। और हम जो व्यापारी लोग हैं, तो जिस प्रकार से आपने कंपाउंड टैक्स लगाया है 1% का, हमारे ऊपर 1% लगा दीजिए, तो आपका आमदनी भी बढ़ जाएगी और बिना पर्चे का व्यापार भी बंद हो जाएगा, इससे मंदी दूर हो जाएगी। हाँ, मंदी का असर पड़ेगा इस पर। तो ये हैं श्याम बिहारी मिश्रा, जिन्होंने इंस्पेक्टर राज का इस कार्यक्रम में घोर विरोध किया, और साथ ही इनका कहना है कि देश फिलहाल आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और इस मंदी से दूर करने के लिए सरकार को कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में, अपनी कर व्यवस्था में, और ख़ासतौर से जो GST के रिफंड है उनको व्यापारियों को तुरंत देना पड़ेगा ताकि उनकी कैपिटल ब्लॉक ना हो। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार को जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे ट्रेडर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स कंपनियों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। कैमरामैन एहसान अली के साथ BK शर्मा, सिटीलाइव जयपुर।
platform to sharing your thoughts.